मनुस्मृति हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली धर्मशास्त्र है। वेदों के बाद धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में मनुस्मृति सदियों तक पथ प्रदर्शक के तौर पर चलती रही। इस तरह से ये हिंदू राज्यों के लिए संविधान के तौर पर प्रचारित होती रही। यहाँ तक कि अंग्रेजों के शासन काल में भी हिंदू रियासतों में संपत्ति आदि के मामलों में मनुस्मृति के मुताबिक निर्णय हुआ करते थे। हिंदू राज्य के साथ इसी घनिष्ठ संबंध के कारण आज भी हिंदू राज्य के पर्याय के तौर पर मनुस्मृति राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। मनुस्मृति मानवता विरोधी और जातिवादी को अच्छे से मानने और प्रचारित करने वाली बुक है। इस कारण से ही भारतीय संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हजारों लोगों के साथ एक जनसभा में इसे आग के हवाले किए थे। अब ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि मनुस्मृति में ऐसा क्या है कि इसके विरुद्ध मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष समाज सुधारकों में इतनी घृणा थी। मनुस्मृति ने इंसानियत की दुश्मन जातिवादी को न केवल ईश्वरीय रचित बताया बल्कि उसे बनाए रखने का राजाओं को आदेश भी दिया। इसी के चलते राजाओं ने इसे थोड़ा सा भी खत्म करने का प्रयास ना किया। इसलिए हिंदू रियासतों में विशेष सड़कें शूद्रों के लिए राजाज्ञ से बंद थी। सार्वजनिक कुओं तालाबों से पानी छूने तक पाबंदी थी। केवल शूद्री गुलाम नहीं था बल्कि उनकी पीढ़ियां भी इस भार को ढोने पर मजबूर थी। मनु ने मानवता को मानवता नहीं रहने दिया बल्कि उसने चार वर्णों को नियमों के ऐसे शिकंजे में जकड़ा कि वे फिर से आज तक ढीले नहीं हो सके। उसने लिखा कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने संसार में वृद्धि करने के लिए मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, उरुगों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा किए। सबसे पहला सवाल तो ये कि ब्रह्मा था कौन? वो क्या कोई औरत था? क्योंकि औरत में ही किसी को पैदा करने की शक्ति होती है, और अगर वो औरत था तो उसने शरीर के चार जगह से इन्हें पैदा कैसे किया? और चलो पैदा भी किया तो क्या जो चार जगह थी वहाँ ब्रह्मा की चार चार योनियाँ थी? और अगर ऐसा था तो उन चार जगहों से महावारी भी होती थी जैसा महिलाओं के साथ होता है। अपने शरीर के चार हिस्सों से किसी को पैदा करना बिल्कुल ही असंभव है, और एक आदमी के लिए तो चलो छोड़ो, धर्म पर सवाल नहीं करते। इसमें उसने हर किसी के लिए अपने अपने कर्म भी निर्धारित कर दिए। वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना और देना, ये ब्राह्मण के कर्म थे। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना आदि ये सब क्षत्रिय के कर्म थे। पशु पालना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, खेती करना, ये सब वैश्य के कर्म थे। शूद्र यहाँ तो सबसे निचले पायदान पर है जहाँ उसे हर चीज की मनाही थी, जो तीनों वर्णों की जी हुजूरी करना और बिना मन मटाव और सच्ची श्रद्धा से सेवा करना था। शताब्दियों पर शताब्दियां बीतती गईं, मनु के इन आदेशों का पालन होता रहा क्योंकि ये धर्मशास्त्र के वाक्य थे। आज भी अछूत, भंगी और दूसरे अनुसूचित जातियां लोग गांवों और शहरों में परंपरागत पेशे अपना कर सारे गांव के सेवकों के रूप में काम करते हैं। ये सब मनुस्मृति के आदेशों का ही परिणाम है। मनु ने जातिवादी के विष वृक्ष को सींचा, खाद डाली और उसकी रक्षा तो की ही, साथ ही उनने कुछ जातियों को इतना महत्व दिया और कुछ को इतना नीचे गिराया, ये साफ दिखाई देता है कि उसने एक जाति विशेष के हितों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं रखी। वो जाति विशेष है ब्राह्मण। इस कारण मनुस्मृति में ब्राह्मण शाही की क्रूप शकल जगह जगह दिखाई पड़ती है। अरे मूर्खो, क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम नीच जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित है। उदाहरण के लिए आप ये श्लोक देखिए, ब्राह्मण के मुख से देवता लोग अपना हिस्सा तथा पितर अपना हिस्सा खाते हैं, ब्राह्मण से कोई श्रेष्ठ होगा? इस श्लोक में ब्राह्मणों के लिए हलवा पूरी की गारंटी दी गई है क्योंकि इसमें तरीके से ये बात की गई है कि ब्राह्मणों का पेट लेटर बॉक्स है, उसमें डाले खाद्य पदार्थों को ब्राह्मण देवताओं और पितरों तक पहुँचा देता है। भूतों, पृथ्वी आदि पांच महाभूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है और बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का शरीर धर्म की नित्य देह है क्योंकि धर्म के लिए उत्पन्न ब्राह्मण मोक्ष लाभ के योग्य होता है। पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब ब्राह्मण का है। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न तथा कुलीन होने के कारण ये पृथ्वी पर सारे के सारे धन का अधिकारी है। दूसरे सब व्यक्ति ब्राह्मण की दया के कारण सब पदार्थों का भोग करते हैं। ब्राह्मणों को राजाओं से भी ऊपर और उनकी सेनाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली बताकर उनका राज दरबारों में प्रभुत्व स्थापित करते हुए मनुस्मृति का कथन है कि महाविपत्ति में फंसा हुआ भी राजा ब्राह्मणों को कुपित ना करे क्योंकि कुपित ब्राह्मण सेना और वाहन सहित राजा को तत्काल नष्ट कर देते हैं। आम जनता पर ब्राह्मणों का आतंक और प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से मनुस्मृति में आगे लिखा है कि जो ब्राह्मण स्वर्ग आदि लोकों और लोकपालों की रचना कर सकते हैं तथा जो क्रुद्ध होकर सांप आदि से देवों को भी अदेव बना सकते हैं, अर्थात उन्हें देवत्व से गिरा देते हैं, उन ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला कौन मनुष्य उन्नति कर सकता है? मनुस्मृति ने सिर्फ पढ़े लिखे
और योग्य ब्राह्मणों को आदर का पात्र घोषित करती है, बल्कि मूर्ख निकम्मे और दुराचारी ब्राह्मण को भी उतने ही आदर का पात्र घोषित करती है। जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों में ही श्रेष्ठ देवता है, उसी प्रकार मूर्ख और विद्यवान दोनों ही ब्राह्मण श्रेष्ठ देवता है। जिस प्रकार तेजस्वी अग्नि शमशानों में भी दूषित नहीं होती और यज्ञों में भी हवन करने पर फिर अधिक बढ़ती ही है, उसी प्रकार यद्यपि ब्राह्मण निंदित कर्मों में लगा हुआ हो तथापि वह सब प्रकार से पूज्य है, क्योंकि ब्राह्मण सबसे उत्तम देवता है। मतलब चाहे शूद्र कितना ही विद्वान तेजस्वी क्यों ना हो, वो रहेगा शूद्र अछूती, और ब्राह्मण चाहे कितना भी कपटी घटिया नीच हो, वो वर्ण के अनुसार रहेगा उच्च और पूजनीय। यही कारण है कि भारत को संविधान देने वाले बाबा साहेब को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। हो सकता था कोई राजा किसी योग्य शूद्र को न्यायाधीश बना देता। इस संभावना को भी पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से मनुस्मृति भावी विपत्ति का वह दर्शाती हुई कहती है कि जिस राजा के राज्य में शूद्र न्यायाधीश होता है, उसका राज्य उसके देखते देखते कीचड़ में धसी हुई गाय की तरह मुसीबत में फंसकर दुखी होता। ब्राह्मणों में कभी भी न्यायिक चरित्र नहीं होता। यही कारण है कि अंग्रेजों ने सन 1919 में ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी। ब्राह्मण डजंट हैव ए जुडिशियल कैरेक्टर। जिस वजह से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए, अर्थात बालक की उस जीवा को काट दिया जाए। और आज देखिए भारत के 99% ब्राह्मण जज हैं, और फिर भारतीय लोकतंत्र की तरफ देख लीजिए कैसे न्याय व्यवस्था डगमगा गई है। राज्य में ब्राह्मणों के होने को अति आवश्यक बताने के लिए टेढ़े मेढ़े ढंग से मनुस्मृति का कथन है कि जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण ना हो, वो राज्य दुर्भिक्ष और व्याधियों से पीड़ित होकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसके अलावा आदेश था कि जिस राज्य में शूद्र का निवास होता है, वो राज्य स्वतः ही नष्ट हो जाता है। मतलब कि खुद को महान साबित करने के लिए एक जाति विशेष को अपंग बना दिया, ताकि भविष्य में वे अपना सर तक ना उठा सके। मैंने कहा भागो यहां से। अनुस्मृति में शूद्रों यानी आज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा श्रेणी के लोग, उनके साथ ब्राह्मणों को मनमाना निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने की असीम छूट है। शूद्र न चाहे ब्राह्मण का कुछ बिगाड़ा हो या ना हो, ब्राह्मण उससे मनमाने ढंग से पीड़ित और दंडित कर सकता है। मनु का ही आदेश है, धनोपार्जन में समर्थ शूद्र को भी धन संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन को प्राप्त कर वो ब्राह्मणों को पीड़ित ही करने लगता है। ब्राह्मण के लिए उचित है कि वो शूद्र का धन बिना किसी भय व संकोच के ले ले, क्योंकि शूद्र का अपना कुछ भी नहीं है, उसका धन उसके मालिक द्वारा हरण करने योग्य है। शूद्र तो ब्राह्मणों के विधाता द्वारा बनाए हुए दास है। मनुस्मृति का आदेश है कि शूद्र चाहे खरीदा हो या ना हो, उससे दास कर्म कराए, क्योंकि विधाता ने उन्हें ब्राह्मण की दासता के लिए ही रचा है। ब्राह्मण को यदि कोई दुर्वचन कहे तो वो जुर्माने और मृत्यु दंड का अधिकारी होता है। अगर किसी ब्राह्मण को कोई क्षत्रिय दुर्वचन कहे तो उसे 100 पण का दंड दे, इसी अपराध के लिए वैश्य को 150 और 200 पण का दंड दे, और शूद्र का इस अपराध के कारण वध कर देना चाहिए। अगर ब्राह्मण कोई शूद्र दारुण वचन से अपेक्ष करे तो शूद्र की जीभ काट कर उसे दंडित करना चाहिए। ब्राह्मण की जाति और उसके नाम का उच्चारण कर हे यज्ञ दत्त तुम नीच ब्राह्मण हो, ऐसा कहकर कटु वचन करने वाले शूद्र के मुख में आग से लाल हुई 10 अंगुल लंबी लोहे की कील डालनी चाहिए। ब्राह्मण को शूद्र जिस अंग से मारे, राजा उसका वही अंग कटवा दे। जो शूद्र उसे हाथ उठाकर या लाठी से मारे, राजा उसका हाथ कटवा दे। पैर से मारने वाले का पैर कटवा दे। ब्राह्मण को अगर कोई शूद्र गर्वपूर्वक उपदेश दे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा उबला हुआ तेल डलवा दे। ब्राह्मण के साथ अगर एक ही आसन पर शूद्र बैठ जाए तो राजा उसे तपाई हुई लोहे की छड़ से कमर में दाग कर देश निकाला दे दे। ब्राह्मण के शरीर पर अगर कोई शूद्र दर्प के कारण थूक दे तो राजा उसके दोनों होंठ कटवा दे। अगर वो ब्राह्मण पर पेशाब करे तो राजा उसकी मूत्रेंद्रिय कटवा दे, और अगर उस पर अपान वायु छोड़े तो उसकी गुदा कटवा दे। अगर ब्राह्मण के केस, चरण, दाढ़ी, गर्दन व अंधकोश को कोई शूद्र अहंकारवश पकड़ ले तो राजा बिना बिचारे शूद्र के हाथ कटवा दे। अब समय आ गया उसके द्वारा हड़पे गए अपने हक अधिकारों के बारे में सोचो, उन्हें वापस पाने के बारे में सोचो। पता नहीं कर रहे हैं ना रहे।
उनके काल्पनिक देवी देवताओं की रक्षा के चक्कर में हिंदू बनकर कब तक अपने हक अधिकार उनको सौंपते रहोगे? ब्राह्मण धर्म के हर ग्रंथ में तुम्हें नीच शूद्र कहकर अपमानित किया गया। ब्राह्मणों ने तुम्हें हिंदू बनाकर धर्म रक्षा में लगा दिया और खुद सत्ताधारी बनकर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और कॉर्पोरेट जगत पर कब्जा जमा लिया। तुम्हारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले, मानवतावाद, वैज्ञानिकता, नैतिकता की अलख जगाने वाले महापुरुषों के बारे में तुम्हें जानने ही नहीं दिया। उनके प्रचार के बसी हुए अमानवीय सामाजिक व्यवस्था को धर्म मान बैठे और लग गए उनकी पूजा करने। भूल गए या जान ही नहीं पाए बुद्ध, संत कबीर, रैदास, फुले, साहू, बाबा साहेब, पेरियार आदि महापुरुषों को, जिनके संघर्षों की बदौलत ही आप थोड़ा बहुत मान सम्मान का जीवन जी रहे हो। इस तरह से हम देखते हैं कि मनुस्मृति में ब्राह्मणवाद की तूती बोलती है। काले युगों की मानवता विरोधी ऐसी पुस्तकें यदि जलाई नहीं जाएंगी, फाड़ी नहीं जाएंगी तो क्या पूजी जाएंगी? इसलिए तो महामानव बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति के काले कानून से मुक्ति दिलाने के लिए 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन करके ब्राह्मणवादी छुआछूत, भेदभाव भरी जाति व्यवस्था पर करारी चोट मारी थी। अगर अब भी आप ब्राह्मणवाद के घटिया जाल से नहीं निकले तो आप तो गुलाम हैं ही, अपनी आने वाली पीढ़ियां ही गुलाम बनी रहेंगी।